स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डरा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में मुंबई इंडियंस में से कम नहीं तो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें सबसे बड़े बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। जी हाँ, कप्तान साहब रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा। राजस्थान के खिलाफ मुकाबला था और रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई रोहित शर्मा इस मुकाबले में रन करेंगे और मुंबई इंडियंस को पहला मुकाबला जिताएंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा डक पर आउट हो गए। जी हाँ, गोल्डन डक पर रोहित शर्मा का विकेट लिया ट्रेंट बोल्ट ने, और उसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। नमन धीर जीरो पे आउट हो गए, ठीक है, डेवाल्ड ब्रेविस आए इम्पैक्ट पेयर में, वो जीरो पे आउट हो गए, और ट्रेंट बोल्ट ने आपके टॉप ऑर्डर को खोल के रख दिया। और राजस्थान को अर्ली ऑन विकेट दिलाकर इस मुकाबले में राजस्थान को बहुत आगे कर दिया। लेकिन रोहित शर्मा की ही गलती नहीं थी, रोहित शर्मा के अलावा ईशान किशन ने भी रन नहीं बनाए। नीचे अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा ने एक थोड़ी बहुत फाइट देने की कोशिश करी, हार्दिक पांड्या ने थोड़े बहुत रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा हैं मुंबई इंडियंस के लिए, टीम इंडिया के लिए, क्योंकि उप कप्तान हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस भी अगर ऐसी रही तो फिर T20 वर्ल्ड कप में खतरे में पड़ सकती है टीम इंडिया। जी हाँ, इरफान पठान ने भी एक ट्वीट किया और इरफान पठान ने भी बोल दिया है कि भाई जब कोई बंदा सेट हो जाता है तो उसको टीम को आगे ले जाना चाहिए। हालांकि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इरफान पठान की क्या कुछ दिक्कत है हार्दिक पांड्या के साथ, क्योंकि वो लगातार हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। चाहे वो जसप्रीत बुमराह को 277 वाले रन चेज में गेम में वहाँ पे उनको गेंदबाजी ना देना, या फिर जो पहला मुकाबला GT के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस हारी थी वहाँ पर हार्दिक पांड्या का लोअर मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इरफान पठान हर बार हार्दिक पांड्या को टारगेट कर रहे हैं, और आज भी हार्दिक पांड्या ने 34 रन ज़रूर बनाए, लेकिन उसमें भी इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या को नहीं छोड़ा और बोले कि भाई बाकी सब ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बाकी जो हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग खेली क्योंकि वो सेट हो चुके थे, उनको टीम को आगे लेके जाना चाहिए था। तो ये कुछ हार्दिक पांड्या के लिए इरफान पठान ने बोला, और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में टीम इंडिया पड़ सकती है। हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, ईशान किशन के रन नहीं आ रहे, रोहित शर्मा के भी कन्विंसिंग जिसे बोले कि परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही, तो वर्ल्ड कप के लिए ये खतरे की घंटी है। और जसप्रीत बुमराह भी इस टीम से खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हैं, बहुत बड़े कंसर्न टीम इंडिया के लिए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।